ये है भाई वो द्वार जहाँ से हम बाबा के दर्शन करके वापसी आएंगे। और देखो कितनी प्यारी बात लिख रखी है, कृपया करके मतलब अच्छे वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश करें। ये जीन्स वगैरह भाई जो उल्टे सीधे कपड़े चले हुए हैं, कृपया ये न कर ना पहने। भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। नीलकंठ मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। राम राम भाई, जय श्री महाकाल। तो भाई स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी व्लॉग्स में, मैं आपका होस्ट सतीश वेदी। एक और इंटरेस्टिंग जर्नी, न्यू जर्नी लेके आ गया हूँ भाई। मैं लाइव हरिद्वार खड़ा हूँ फिलहाल, हर की पौड़ी पार्किंग में, और भाई मैं वेट कर रहा हूँ ऑटो की क्योंकि मैं जा रहा हूँ नीलकंठ। और मम्मी, भाभी, भाई, नानी, अयांश वो यहीं हरिद्वार रुक गए हैं, वो हर की पौड़ी में आएंगे। मैं नीलकंठ पे दर्शन करके फिर आगे देखता हूँ देहरादून जाऊँगा या नहीं। और भाई हरिद्वार से हम सीधा आ गए हैं राम झूला, मतलब ऋषिकेश की ऑटो मिलेंगी। 60 रुपीज़ रेट बढ़ गई। और भाई काफ़ी टाइम हो गया था यार आए भी, और गंगा माँ का स्नान भी लेना था यार। चलो कोई नहीं, नीलकंठ बाबा के दर्शन करने चलेंगे अब तो। बोरा राम झूला। और भाई साहब भीड़, भयंकर भीड़ है यार, भयंकर भीड़। तो चलते हैं भाई नीलकंठ, यहाँ से ऊपर चलते हैं, राम झूला की पार्किंग में ही मिलेगी हमें नीलकंठ के लिए। ये भाई नीलकंठ की मार्केट। ओ भाई साहब कितनी भीड़ है यार, मतलब ये लगा लो कि मैं 11 बजे हरिद्वार उतर गया था, उसके बाद 3:30 हो गए हैं और अब पहुंचा हूं मैं नीलकंठ। तो भीड़ देख सकते हो आप कितनी थी यार, मतलब हद भीड़ थी, गाड़ी हिल तक नहीं रही थी। और एक तो गाड़ी ख़राब हो गई, तो यार देख लो कितनी भीड़ है, मतलब ई वीकेंड है, शनिवार आज तो भीड़ तो रहेगी। तो चलो करते हैं नीलकंठ बाबा के दर्शन। ये है भाई वो द्वार जहाँ से हम बाबा के दर्शन करके वापसी आएंगे। और देखो कितनी प्यारी बात लिख रखी है, कृपया करके मतलब अच्छे वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश करें। ये जीन्स वगैरह भाई जो उल्टे सीधे कपड़े चले हुए हैं, कृपया ये न कर ना पहने। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आपकी बारी भाई, बहुत जल्दी नंबर आया यार। हम बिल्कुल भाई पास आ गए, और जहाँ से मतलब एंट्री होते हैं ना वहाँ से ही मतलब अंदर आ गए यार हम तो। ये कैसे हुआ? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ भाई बाबा की भभूत लगती है, और ये है मंदिर का गेट, हमको नीचे से जाना है भाई। जो सावन में कम से कम 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, बिल्कुल घूमते ही आ गए यार ये तो। 100 मीटर पे भाई अंदर मंदिर। भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। नीलकंठ मंदिर। यो भाई नीलकंठ बाबा दर्शन हो गए भाई, खुले बढ़िया, कभी एक नंबर के दर्शन हुए हैं। अरे यो भाई समाधि स्थल, यहाँ पर भी शिवलिंग पर जल चढ़ेगा बाबा के ऊपर। ओ भाई साहब क्या दर्शन हुए हैं यार, मतलब दिल खुश हो गया, खुले दर्शन हुए, कम से कम 2-3 मिनट के दर्शन हुए मेरे। जय शिव शंभू भाई। मैं जैसे नीलकंठ महादेव के मंदिर से आ रहा हूँ अभी, और दर्शन हुए भाई बहुत बढ़िया। लेकिन भाई मेरी एक मतलब विनती लगा लो, या मैंने ये देखा है कि मतलब लड़कियाँ या औरतें हैं वो मतलब बेढंगे कपड़े पहन रखे हैं, जैसे जीन्स या शॉर्ट्स हो गए या हाफ पैंट। भगवान के दर्शन करने आ रहे हो तो आप कृपया करके भाई सूट साड़ी में आ जाओ। क्या दिखाना चाह रहे हो आप, मतलब शौक है वो कहीं गोवा जाओ या कहीं घूमने जाओ, ट्रिप पे जाओ, वहाँ पहनो। भक्ति के स्थान पे तो यार ये सब मत करो ना। अब ये सब करके मतलब क्या यूथ को क्या संदेश दे रहे हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या संदेश दे रहे हो? जो ये लड़कियाँ भाई विफलतियाँ मचलती हैं, तो कृपया करके भाई ऐसा ना करो। और भाई अब जा रहे हैं अपना वापस हरिद्वार। और भाई मेरी उंगली में ना पता नहीं यार आग पे अगरबत्ती लग गई, क्या लग गई, पूरी उंगली मतलब सूज गई है, बहुत ज़्यादा सूजन होगी यार। देखो जो मैंने अभी बात की थी जो पहनावे की, ये देखो वैसा ही पहना हुआ, तो यार गंद ना फैलाओ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने अच्छे से बाबा के दर्शन किए होंगे। बाबा भाई आप सब पे आशीर्वाद रखे, आप भी जल्द से जल्द घूमने आओ बाबा के द्वार पे। और मैंने भाई एक न्यू चैनल बनाया है शायरी के लिए, देसी अल्फाज के नाम से, कुछ दिनों में उस पर शायरी स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने यहाँ भी कुछ शायरी लिखी है बाबा के ऊपर, और भाई आप व्यू देख सकते हो। और भाई बाबा आपको जल्द बुलाएं, बहुत जल्दी बुलाएं, और बाबा आप सब पे भाई ऐसी मनोकामना रखें।
तो भाई मिलते हैं, इस वीडियो को भाई प्यार दो। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्री श्याम।